गेम भी दे रही है कि आपको बैटरी के साथ चाहिए बिना। अब वो कितना सक्सेस होगा वो आगे आगे पता लगेगा। यूनिक और नया, लेकिन ऑप्शन तो आपके पास दोनों है ना कि आपको जरूरी, तो कोई कंपनी फोर्स नहीं कर रही कि आप भाई रेंटल ले लो, आप पूरा ले लो पैसा है। दिमाग ज्यादा नहीं लगाना, हम तो पूरी लेंगे। तो जिसको पूरी ये है कि भाई हाँ, ये तो नया कॉन्सेप्ट है, अगर आगे कर आगे कभी चला तो वो चीज बात की बात है, पर अभी आगे और भी कंपनी इसको अडॉप्ट करें। तो भाई राम राम सभी भाइयों को, कैसे हो सारे के सारे। जस्ट अभी भाई एमजी के शोरूम से आ रहे हैं और एमजी के विंडसर ईवी देख के क्या काम किया है भाई, मजा आ गया। अच्छाई की भी बात करेंगे, बुराई की भी बात करेंगे, और ये अपने पर्सनल पीओवी है हमारे जो हम बोलेंगे। आज मैंने काफी टाइम बाद एमजी के शोरूम पे भीड़ देखी भाई, जो कि देख के अच्छा लगा कि लोग कुछ अलग चीज को सपोर्ट कर रहे हैं, अपना रहे हैं, कुछ अलग चीज कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। और भाई करना भी बनता है क्योंकि प्रोडक्ट काफी ज्यादा बढ़िया है। विंडसर ईवी की आज बात करने वाले भाई, ये वीडियो सिर्फ गाड़ी के ऊपर होगी, इसका जो बैटरी रेंटल वाला जो सिस्टम है उस पर आप कंफ्यूजन हो, हाँ उसमें एक सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा मैं, जल्दी आएगी वो भी, वो पूरी तरीके से क्लियर करके उसकी इन्फॉर्मेशन निकाल के तब आपको दिखाएंगे। ये पूरी इसमें जो इन्फॉर्मेशन रहने वाले गाड़ी के रहने वाले, क्या आपको लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, क्या फीचर है, लुक्स में कैसी है, कितनी रेंज है, क्या है, सब चीज की बात करेंगे। सबसे पहले लुक्स की बात करते हैं भाई, बताओ एक्सटीरियर की बात करेंगे भाई। एक्सटीरियर लुक्स में मैं आपको बताऊंगा कि आपको स्क्रीन में भी दिख रही होगी, देखो इन्होंने जो DRL LED दे रखी है बिल्कुल पूरी कनेक्टिंग, और ये बिल्कुल इन्होंने शायद अपनी कॉपी अपनी इन्होंने जो छोटी वाली इनकी वो आती है गाड़ी इंस्पायर है, उससे इंस्पायर्ड है ये थोड़ी सी थोड़ी थोड़ी, और ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसी लगी जैसे वरना में भी जैसे सेम है ना ट्यूबलाइट टाइप। तो और इसका ना प्लेसमेंट कुछ ऐसा है कि इन्होंने कुछ आगे गुंडी जो आगे को कर रखा है ना उसके ऊपर ही लाइट लगा रखी है, ये कुछ आंखों को सूट नहीं करा भाई। मैं फर्स्ट इंप्रेशन ऐसा था यार ये क्या चीज है भाई। हमारे इंडिया में ऐसे डिजाइन अडेप्ट होने में भी थोड़ा टाइम लगेगा, बाकी ऐसा नहीं बहुत बुरी लग रही, लेकिन हमने कभी ऐसी गाड़ी अपनी रोड्स पे देखी नहीं है तो वो हमें थोड़ा अजीब सी लगी, फूली फूली सी गाड़ी नहीं, मतलब एज कम्पेयर टू अपनी कर्व ईवी वैसे उससे कोई कम वो नहीं है, पर उसके ना डिजाइन कुछ अलग ही है। तो कुछ अगर हम ऐसे इसका डिजाइन देखेंगे तो भाई मेरे को जो पर्सनली ना एक्सटीरियर से ये पसंद नहीं आया भाई, बाकी सबका अपना अपना। बाकी आप लोग देखो, आपको एक 360 व्यू भी दिखा देते हैं हम एक बार इसका, हाँ पूरा आप देखो आपकी स्क्रीन पे आ रही है गाड़ी। देखो लुक्स में नॉर्मल सबकी अपनी चॉइस होती है, हाँ, एक्सटीरियर में मुझे मतलब वो जान नहीं लगी गाड़ी, एक्सटीरियर से इतनी अट्रैक्टिव नहीं है, लेकिन गाड़ी बेसिकली एक प्रैक्टिकल गाड़ी बनाई गई है, एक अंडर बजट गाड़ी बनाई गई है कस्टमर के हिसाब से, और जो इसमें अंडर कम्फर्ट मिल रहा है ना गाड़ी के कैबिन में, मैं नहीं समझता भाई वो किसी और गाड़ी में ऑफर भाई। जब हम पर जब ये गाड़ी हम इसमें अभी देख रहे हैं एक्सटीरियर में, हमारा थोड़ा सा मुंह ऐसे हो गया था कि ये क्या चीज है यार। उसके बाद डोर खोला, जैसे हमने वो इसका एक तो वो डोर जो बिल्कुल सेम इलेक्ट्रिक वाला है, उसको वो वाला है बिल्कुल जो अब आजकल ट्रेंड में चल रहा है कि भाई अपने आप वो खुल जाएगा और जब वो गाड़ी बंद करेंगे तो अपने आप वो अंदर चले जाएंगे धीरे धीरे, अब ये सब गाड़ियों में हो जाएगा वो चीज, चलो ठीक है। पर जैसे हमने वो डोर खोला और हमने इंटीरियर में देखा तो वो ऐसा लग रहा था सोफे का काउच होता है ना प्यारा सा, जैसे हम एरोप्लेन की बिजनेस क्लास में बैठते हैं ना वैसा सीट थी वो। उसकी डिस्प्ले भाई शानदार, मैं तो अपने भाई इससे तो बहुत भाई ऐसा लग रहा था वो कंप्यूटर लगा रखा उन्होंने, बिल्कुल डेस्कटॉप लगा रखा है पूरा बढ़िया, और क्या कहते हैं कि उसमें अंदर वो सब OTT सपोर्टेड प्लेटफॉर्म पे है सारा, वो जिसका बहुत ही प्यारा था, जो एम्बिएंट लाइट उसकी, AC वेंट्स कितने ज्यादा यूनिक, और अंदर से खोलने का जो तरीका था वो भी बहुत यूनिक भाई, बिल्कुल खोलने के लिए ना मतलब कि अलग ही तरीके से करना पड़ता। और एक सबसे अच्छी बात थी कि डैशबोर्ड पे ना यहाँ पे नीचे कुछ था वो अच्छा स्पेस, वो मतलब नीचे करने वाला ना गैराज टाइप जो होता है उसमें USB शटर टाइप, और सबसे अच्छी बात ग्लास होल्डर कितने अच्छे यूनिक तरीके से दिए हैं, प्रॉपर एक दो यहाँ और डैशबोर्ड पे है और चार यहाँ पे थे शायद, तीन यहाँ थे दो आगे थे, टोटल पांच हमें तो यही मिल रहे हैं, साइडों में जो होंगे वो अलग होंगे। तो भाई मतलब मजा आ गया, कंपनी ने किस तरह का स्पेस मैनेजमेंट किया, कंपनी ने शौकीन बंदों के हिसाब से देख के बनाई है गाड़ी भाई। जैसे हमने कर्व को बोला था कि वो फ्यूचर से है, तो ये भी फ्यूचर की गाड़ी ही लग रही थी इंटीरियर से। एम्बिएंट लाइट इतनी ज्यादा प्यारी, उसकी स्पीकर पे जो कवरिंग थी ना वो एम्बिएंट लाइट कितनी सुंदर लगती है, वो खोलने पे ना वो और तेज होती थी और ज्यादा वो जगमगा रही थी, और बंद होने पे थोड़ी लाइट हो रही थी। और इसकी मून रूफ बहुत ही ज्यादा प्यारी थी, अनओपनेबल थी, वो खुलती नहीं है लेकिन वो बहुत ही प्यारी थी। उसका फायदा ये था, जैसे हमारी रूफ है इसमें हमें बीच में ये मिलता है, उसमें ये भी नहीं था तो और भी ज्यादा बढ़िया लग रहा था, पूरी थी और उसमें बस ये था जैसे हम ये चीज शेड ये वाला शेड है वो लगा हुआ है बस। बहुत ही ज्यादा शानदार लग रही थी। स्टीयरिंग व्हील उसका वो एक कॉमेट से इंस्पायर्ड था, थोड़ा सा बड़ा था वैसे ही कुछ, इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर था, डिस्प्ले हमने आपको बताई थी बहुत ही ज्यादा बढ़िया। सबसे बढ़िया बात रियर का कंफर्ट, क्या नेक्स्ट लेवल है, रिक्लाइन हो जाती है पूरी का पूरा, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, हमने जो बैठ के देखा था भाई ऐसा लग रहा था मैं फुल जैसे मैंने बताया बिजनेस क्लास में बैठा हूँ। अगर आपको फैमिली के लिए एक ईवी गाड़ी ढूंढ रहे हो ना, इससे बढ़िया ऑप्शन भाई नहीं है। और सबसे अच्छी बात, जैसे मैंने अभी शिकायत करी थी अपनी गाड़ी की, बीच पीछे हम्प जो है इसमें, वो उसमें नहीं है, बिल्कुल फ्लैट
वो शिकायत कंपनी ने दूर करी है। आप खुला आराम से तीन जने बिल्कुल कंफर्टली बैठ के जा सकते हो, सो के जा सकते हो इनफैक्ट, मैं ये कहना। और दूसरी चीज मैं ये भी कहता हूँ कि अगर एज ए फैमिली कार अगर आप लोग देख रहे हो तो आपको एक्सटीरियर लुक से इतना फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए, मैं क्या मानता हूँ इस चीज को कि भाई इंटीरियर, क्योंकि बंदे को क्या है अंदर बैठना है, प्रैक्टिकल चाहिए गाड़ी। हाँ, अंदर बैठ के दूसरे देखना है कि क्या क्या मेरे को बढ़िया कुछ मिल रहा है क्या क्या नहीं मिल रहा, तो भाई अंदर से वो गाड़ी भाई मैं आपको दिख रही होगी क्या दिख रही है, मतलब कि वो मैं भाई देख के ऐसे कह रहा भाई तो सोफा है भाई, इतना कंफर्टेबल, इतना फ्लफी फ्लफी था वो, एकदम फूला फूला था ना उसका। अभी एक बार हम बात कर लेते हैं, जो हमने इसका वेरिएंट जो हमारे सामने खड़ा था वो एसेंस वेरिएंट था, जिसकी कीमत 16,47,000 रुपए, बहुत ही बढ़िया प्राइस एमजी ने दी है। बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो 38 किलोवाट आवर की बैटरी है, रेंज जो कंपनी क्लेम कर रही है 331 किलोमीटर की, मैं समझता हूँ नॉन प्रैक्टिकल 280 भी चल जाए तो बहुत है सिंगल चार्ज पे, और क्या चाहिए। अगर हमने हम यहाँ से फॉर एग्जाम्पल जयपुर जाना तो एक बार चार्ज कर लेंगे थोड़ा बहुत, आधा पौन घंटे 50% भी तो भी बहुत चल जाएगी। तो ये है भाई, ओवरऑल मुझे तो बहुत मजा आया भाई गाड़ी को देख के, मतलब अच्छा फील हुआ कि एक कंपनी को अलग ट्राई कर रही है, ये हमारे सामने स्कीम भी दे रही है कि आपको बैटरी के साथ चाहिए बिना, अब वो कितना सक्सेस होगा वो आगे पता लगेगा। यूनिक और नया, लेकिन ऑप्शन तो आपके पास दोनों है ना कि आपको नया, जरूरी तो कोई कंपनी फोर्स नहीं कर रही कि आप भाई रेंटल लो, आप पूरा ले लो पैसा है, दिमाग ज्यादा नहीं लगाना ना, हम तो पूरी लेंगे तो जिसको पूरी ले, ये है कि भाई हाँ ये तो नया कॉन्सेप्ट है, अगर आगे आगे कभी चला तो वो चीज बात की बात है, पर अभी आगे और भी कंपनी इसको अडॉप्ट करें धीरे धीरे, तो ये तो एक अलग चीज कंपनी ट्राई एक्सपेरिमेंट कर रही है। एक्सपेरिमेंट ठीक है। गाड़ी की बात करें तो शानदार, अच्छी खासी भीड़ थी, लोग देख भी रहे थे, तो हमें हो सकता और लोगों को पसंद भी आ रही थी, क्यों कस्टमर रिव्यू हम देख पा रहे थे या बॉडी लैंग्वेज से समझ पा रहे थे, उससे ये था कि भाई लोग उसे कहते हैं यार बढ़िया है, वैसे एक्सटीरियर से ही लोगों को दिक्कत आ रही थी थोड़ी बहुत, मैं जो देख रहा था इंटीरियर में तो भाई लोगों मतलब जो ड्रॉपिंग इंटीरियर है लोग बैठ के उठ नहीं रहते उसमें से, जो ड्रॉपिंग इंटीरियर है भाई मैं कह रहा हूँ किसी भी गाड़ी का इस प्राइस रेंज में ईवी में आप मेरे को इससे बढ़िया दिखा दो भाई नहीं मिलेगा, नहीं है, जबकि एक से एक गाड़ी में बीवाईडी जैसी गाड़ियां भी ऑफर हो रही है। हाँ। काफी अच्छी, लेकिन फिर भी इसकी टक्कर में हमें भाई बहुत तगड़ा, पता नहीं क्यों इतनी अंडररेटेड रहती है एमजी वैसे, पर अब तो एमजी को बहुत मिल रहा है सपोर्ट, जैसे हमने आज भीड़ देखी भाई। अब एक बार बूट की बात कर लेते हैं भाई, काफी अच्छा बूट स्पेस हमें मिल रहा था, हमने जैसा खोल के देखा जैसे आपको दिख रहा होगा, इसमें बूट का मेरे को ये था कि भाई एक बार वो वाला गेस्चर होता कि भाई पैर लगा के, वो इलेक्ट्रिकल नहीं है, 604 लीटर का हमें बूट स्पेस मिल रहा है, जो कि भाई काफी ज्यादा बढ़िया है, काफी बढ़िया था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ओवरऑल आप देखते हैं कैसे रिस्पॉन्स आया गाड़ी का, लेकिन अगली वीडियो जरूर देखना, उसमें हम इसका जो रेंटर वाला सिस्टम वो एक्सप्लेन करने वाले करेंगे, अच्छा। और ये भी बताएंगे कि आपको क्या उस पे लेनी चाहिए या फिर आपको पूरा बैटरी खरीद लेनी चाहिए, क्या वो वर्थ 3 लाख का लालच करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, करीब करीब 3 लाख का आएगा जो भी डिफरेंस आएगा। तो चलो रखते हैं इस वीडियो में इतने, कमेंट करके बताओ आपको गाड़ी कैसी लगी, और अगर आप प्लान कर रहे हो ईवी की तरफ तो कौन कौन से ऑप्शन आप देखना चाहोगे, या हम चाहते हैं उस वीडियो बनाए तो वो भी हम जरूर करेंगे। और इस गाड़ी को अगर आप गाड़ी परचेज करने की उसमें हो तो जरूर देख के आए एक बार, इसको मौका दें। एक्सटीरियर आपको पता नहीं कैसा लगे, पर इंटीरियर से तो आपका मन ऐसा हो जाएगा कि भाई गाड़ी में बैठा रखो, मुझे गाड़ी में बैठे रहना है आधे घंटे तक कम से कम। प्रॉपर बहुत बेहतरीन, मतलब इंटीरियर से तो उठने का हमारा खुद मन नहीं कर रहा था, इतना जबरदस्त गाड़ी थी। चलो मिलेंगे, गुड बाय, टेक केयर, जय श्री राम।